खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। सोसाइटियों व बाजारों से नकली खाद्य बीज एवं दवाइयों पर रोक लगाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने शुद्ध के लिए युद्ध एक अभियान किया शुरू। जहां देवास की कन्नौज तहसील में कृषि विभाग का सोसाइटी एवं व्यापारियों के दुकानों पर जाकर औचक निरीक्षण कर सैंपल लिए जा रहे हैं। इसी क्रम में कृषि विभाग के अनुविभागीय कृषि अधिकारी रमेश कुमार वर्मा ने बताया कि किसानों को उच्च गुणवत्ता मानक स्तर के उर्वरक कीटनाशक एवं बीज उपलब्ध हो सकें, बाजार में किसी प्रकार से नकली सामग्री का विक्रय ना हो, इसके लिए दुकानों एवं गोडाउनों का औचक निरीक्षण कर सैंपल लिए गए हैं, जिन्हें जांच के लिए जिले की प्रयोगशाला में भेजा जाएगा और यदि लिए गए सैंपल में किसी भी प्रकार की मिलावट या गुणवत्ता की कमी आई तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। इसी के साथ ही व्यापारियों के लाइसेंस की जांच भी की जा रही है। इस दौरान वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी राधेश्याम मर्सकोले, उर्वरक बीज एवं कीटनाशक इंस्पेक्टर दिनेश भावसार एवं टेक्नोलॉजी मैनेजर लार्ड सिंह बकोदिया उपस्थित थे। शुद्ध के लिए युद्ध के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन की मुहिम चली है 15 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक। इसमें हम लोग विकासखंड के तहसील सतवास और तहसील कन्नौज की सभी सोसाइटी, सभी प्राइवेट डीलर, इनके यहाँ कीटनाशक बीज और उर्वरक जो रासायनिक खाद है इनकी जांच कर रहे हैं। इनके पास इनके स्टॉक की पूरी जाँच कर रहे हैं और उस स्टॉक में जो पाया जाता है उस किस हिसाब से ये वितरण कर रहे हैं। साथ ही जो माल है इनके पास उसका सैंपल लेकर प्रयोगशालाओं को भेज रहे हैं। अभी वर्तमान तक हमने आज मिलाकर 41 सैंपल हमने इसके ले लिए उर्वरक के, जो कि प्रयोगशालाओं को भेज दिए गए हैं। खबर समय जगत के लिए खातेगांव से राकेश अजमेरा की रिपोर्ट। खबर समय जगत, एक संदेश पूरा देश।